बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर अत्याचार की खबर सामने आई। यहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ बहुसंख्यकों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। खबरों के मुताबिक नरैल जिले के लोहागारा उपजिला में कट्टरपंथियों की भीड़ ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने का आरोप लगाकर घरों को आग लगा दी। आगजनी में हिंदुओं के 70 घरों को जला दिया गया, जबकि दुकानों में लूटपाट की गई। आरोप है कि उन्मादियों की भीड़ ने एक मंदिर को भी तोड़ा और उसको बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भीड़ ने आरोप लगाया कि फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई। एक हिंदू युवक आकाश ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। नरैल जिले के लोहागढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नारन चंद्र पॉल ने कहा कि इस घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव है। इस इलाके में सक्रिय इस्कॉन समूह का कहना है कि करीब 200 लोगों के साथ मारपीट की गई और उनके घरों को जलाया गया, जो दो दिन तक जलते रहे। इस हिंसा का शिकार दीपाली साहा ने कहा कि डराने वाले क्षण को वो अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगी, जब शुक्रवार की रात को उन्होंने अपने घर को जलते हुए देखा। दीपाली ने बताया कि कट्टरपंथियों के एक गुट ने उनका घर लूटा और उसके बाद दूसरा गुट आया तो उसने उनका दरवाजा खुला हुआ पाया और लूटने के लिए सामान न बचा तो उसने उसमें आग लगा दी। कट्टरपंथी जब घर पर आग लगा रहे थे, तब दीपाली पास के ही घर में छिपी हुई थी, जहां पर उनके साथ उनका बेटा भी था और दोनों ने बेड के नीचे छिपकर जान बचाई। दीपाली के मुताबिक वो घर बंद था, इस वजह से उनकी जान बच पाई। इसके अलावा दीपाली ने देखा कि मंदिर पर भी कुछ लोगों ने हमला किया है और मूर्ति भी तोड़ दी है। पूरी घटना शुक्रवार के दिन की है, जब कट्टरपंथी जुमा की नमाज के बाद आरोपी छात्र के घर पहुंचे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आकाश घर पर नहीं था। उसके बाद भीड़ ने पड़ोस के हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जिनका पैगंबर की फेसबुक पोस्ट से कोई लेना देना नहीं था। इलाके में हुए बवाल के बाद शाम को पुलिस ने आकाश के पिता अशोक शाह को हिरासत में ले लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अभी तक पुलिस ने इन घरों को जलाने वाले किसी भी कट्टरपंथी को अरेस्ट नहीं किया। इस हमले का शिकार दीपाली कहती हैं, केवल इसलिए कि छात्र हिंदू था और मैं भी हिंदू हूँ, मेरे घर को जला दिया गया। मैं नहीं जानती कि हिंसा का यह खतरा कब तक बना रहेगा और हमारा पीछा कब तक करता रहेगा। हमें कौन न्याय देगा, हमें कौन सुरक्षा देगा। अब मेरे शरीर पर बस यही एक साड़ी बची है, बाकी सब कुछ तो जल चुका है। इस पूरी घटना का वीडियो और फोटो कोलकाता स्थित इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने शेयर किया है। राधा रमण दास का दावा है कि हिंदुओं के 70 घरों को आग लगा दी गई और पूरी दुनिया चुप्पी साधे है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे और न ही वहां से भागेंगे। वो पहले भी इस तरह के कट्टरपंथियों के हमले के आगे डटे रहे। दास ने बताया कि जब यह हमला हुआ उस वक्त घटना स्थल पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन वह मूक दर्शक बनी रही। पुलिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार भी लगाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।